नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज निफ्टी में इतनी ज्यादा गिरावट क्यों देखने मिला और इस गिरावट के पीछे के पांच मुख्य कारण के बारे में हम बात करेंगे। पांच वजह जिसके कारण से निफ्टी में आज आपको गिरावट देखने मिला, मार्केट में जो है किस न्यूज के कारण मार्केट जो है हमारा किसके कारण से गिरता है, ये सारी चीजें सारी रीजन्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो रीजन्स है कि आज जो है हमारा रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, कोटक बैंक, SL टेक्नोलॉजी, एशियन पेंट, ये जो हैवी वेटेड स्टॉक है इसमें आपको गिरावट देखने मिला। रिलायंस 5% डाउन था जबकि प्रॉफिट में 12% के जंप के बावजूद 5% रिलायंस के स्टॉक में आज करेक्शन देखने मिला। तो उसी के साथ HDFC, कोटक बैंक, SL टेक, एशियन पेंट, ये सारे स्टॉक्स ने उसका साथ दिया रिलायंस को निफ्टी को गिराने में। साथ साथ जो एनर्जी सेक्टर के स्टॉक है उसमें भी गिरावट देखने मिला। लेकिन जो स्टॉक है बजाज ऑटो, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ये सारे निफ्टी को होल्ड करके रख पाए, नहीं तो आज एक बहुत बड़ा गिरावट आपको देखने मिलता जिस तरह से निफ्टी गिर रहा था। तो शुरुआत में ये जो एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, इसी स्टॉक ने निफ्टी को सस्टेन करके रखा, लेकिन बाद में धीरे धीरे निफ्टी नीचे ड्रैग होता गया। तो ये थे टॉप गेनर और टॉप लूजर। टॉप लूजर्स जो हैवी वेटेड स्टॉक है जैसे रिलायंस हो गया आपका, निफ्टी को नीचे ड्रैग करने में काफी ज्यादा योगदान रहा रिलायंस का। उसके बाद जो दूसरा है, जो न्यूज बार बार आता रहा कि इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है, सिक्किम बॉर्डर, वहां पे नाकुला पास पर थोड़ा सा टेंशन देखने मिला जिसके कारण मार्केट में और ज्यादा बाद में गिरावट देखने मिला। तो दूसरा ये भी थोड़ी वजह थी कि जैसे जैसे टेंशन हमें न्यूज में आता है तो उसके कारण जो मार्केट में है वो सेल ऑफ ज्यादा देखने मिलता है जिसके कारण मार्केट में थोड़ा आज करेक्शन देखने मिला। मार्केट को गिरने के लिए कोई ना कोई वजह चाहिए, तो जैसे आज भी मार्केट को गिरना था तो उसमें रिलायंस काफी नीचे आया। साथ ही साथ जो उसको रीजन्स मिला कि जो इंडिया चाइना बॉर्डर पर थोड़ा सा क्लेश है, उस क्लेश के कारण भी मार्केट में थोड़ा गिरावट देखने मिला। तीसरे रीजन की बात करें तो जो हमारा बुल मार्केट की रैली है वो ओवर होता हुआ दिख रहा है, जिस तरह से करेक्शन देखने मिल रहा है, तो हो सकता है मोमेंटम जो शिफ्ट हो रहा हो बुल से बियर की तरफ। तो यहाँ पर जो निफ्टी में गिरावट था तो तीसरा कंजुकेटिव डे था, मतलब लगातार तीसरे दिन निफ्टी में गिरावट था, तो जो कि हो सकता है मोमेंटम का शिफ्ट हो रहा है बुल से बियर की ओर। तो ये भी तीसरा रीजन हो सकता है कि हमारा जो बुल रैली है जो कि हमने 7500 से लेकर के 14900 तक का देखा, लगभग डबल देखा, तो डबल होते हुए जो निफ्टी को मैंने देखा, इस बुल रैली का अंत हो रहा हो और जो हमारा मोमेंटम है अब बुल से बियर की ओर शिफ्ट हो रहा हो, तो तीसरा ये रीजन हो सकता है। अब चलते हैं हम चौथे रीजन की ओर। ये जो चौथा रीजन है काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि हम जो अभी तक देख रहे थे FII FPI फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, तो दोनों जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो यहाँ पर नेट सेलिंग देखने मिला है। ये कल का डाटा है, आज का डाटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, जैसे अपडेट होता है तो हम आपको बताएंगे। ये आज का डाटा है, देखने 25 जनवरी का डाटा है, तो आज यहाँ पर सेलिंग देखने मिला FII की तरफ, FPI की तरफ। और जो हमारा DIs है, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो तो पहले से ही सेल कर रहे, लगातार सेलिंग हो रहा है DI की तरफ से, लगातार सेलिंग हो रहा है। तो DI का यहाँ पर देखने नेट सेलिंग है 387 करोड़ का, FII का नेट सेलिंग है 765 करोड़ का। तो दोनों तरफ से जब सेल ऑफ होगा तो मार्केट में आपको गिरावट देखने ही मिलेगा ही। तो हम जैसे FII और जो रिटेल इन्वेस्टर है यही मार्केट के बुल रैली को लाया था, तो ये दोनों अगर बियर हो जाते हैं, अगर FII सेलिंग करने लगता है, रिटेल इन्वेस्टर भी सेल करते हैं, तो इससे जो है मार्केट जो अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है बुल से बियर की तरफ। ये चौथा रीजन था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको FII के डाटा पर लगातार ध्यान रखना पड़ेगा। इसे आप nseindia.com पर देख सकते हैं, आपको लिखना है FII डाटा NSE, बस आपको सर्च करना है गूगल में, ये आपको निकल जाएगा। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो FII का डाटा डेली आपको देखना है। अगर FII लगातार सेलिंग करते हैं तो मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आपको देखने मिल सकता है। अब हम चलते हैं ग्लोबल इंडेक्स की ओर, जो पांचवा सबसे बड़ा रीजन है। ग्लोबल इंडेक्स जिस तरह से चलता है, ग्लोबल मार्केट अगर करेक्शन दिखाता है तो हमारा मार्केट भी ग्लोबल मार्केट के साथ चलता है, तो हमारे मार्केट में भी करेक्शन देखने मिलता है। तो यहाँ पर निफ्टी देख लीजिए, गिरावट है आज कुल 0.93% का, लगभग 1% का गिरावट है। वहीं निफ्टी बैंक में लगभग फ्लैट है, 0.10% निफ्टी बैंक जो अप रहा है, लगभग फ्लैट है। वहीं पर बात करें डाउ जोंस जो कल क्लोज हुआ था, मतलब पिछले दिन जो पिछला दिन तो था फ्राइडे को, उस दिन क्लोज हुआ था 0.57% डाउन पे।
तो देख सकते हैं डाउ जोन्स भी नीचे था। उसके बाद नीचे चलते हैं तो यूरोपियन मार्केट, जो यूरोपियन मार्केट है वो काफ़ी प्रभावित करता है जब हम 1 o'clock दोपहर के 1 बजे के बाद जो है यूरोपियन मार्केट जब निगेटिव मतलब ओपन हो तो हमारा मार्केट भी नीचे मतलब करेक्ट होने लगता है, नीचे गिरावट उसमें होने शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए जो यूरोपियन मार्केट है उसमें डेक्स है हमारा जर्मनी का इंडेक्स, डेक्स में 1.68% का गिरावट है। तो इसमें भी लगातार करेक्शन चल रहा है। FTSE 100 इंग्लैंड का है तो FTSE 100 इसमें भी 1.16% का करेक्शन देखने मिला, गिरावट देखने मिल रहा है। और CAC 40 ये है फ्रांस का और इसमें भी 1.53% का गिरावट। तो यहाँ पर देखने पूरा जो यूरोपियन मार्केट है उसमें करेक्शन देखने मिल रहा है। तो जब यूरोपियन मार्केट में गिरावट है, डाउ जोन्स में भी करेक्शन देखने मिला, तो लगातार जो ये करेक्शन है इसके कारण हमारे मार्केट में भी लगातार गिरावट देखने मिला लगातार तीसरा दिन। यहाँ पर बोस्पा ब्राज़ील का ये अभी फ्लैट दिख रहा है, मतलब ओपन नहीं हुआ है। फिर नीचे चलते हैं तो नीचे और भी कई सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जिसे आप देख सकते हैं, जैसे रशिया का मोएक्स यहाँ पर देखते हैं, ये अप है 0.34%, लगभग एक तरह से ये फ्लैट ही है, कुछ खास ये मतलब अपट्रेंड में नहीं है। उसके बाद और नीचे चलते हैं तो यहाँ पर देखें निक्की, जापान का जो निक्की है ये अप है 0.67% से, तो जापान का मार्केट अप है। उसके बाद जो चाइना का मार्केट है यहाँ पर देखिए, चाइना का सारा इंडेक्स अप है, देख सकते हैं संघाई ये 0.48% से, चाइना A50 ये भी अप है 2% से, तो DJ संघाई ये भी अप है 0.62% से। तो इस तरह देखते हैं जो ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट है, ये थोड़ा सा चाइना को छोड़ दिया जाए तो ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट है वो पूरी तरह से निगेटिव है, तो इसलिए हमारे मार्केट में भी गिरावट देखने मिला। तो ये मुख्य वजह थी, 5 मुख्य वजह जिसके कारण मार्केट में गिरावट देखने मिला। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है, आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको ₹20 पर ट्रेड चार्ज लगता है और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है और इंट्राडे में सिर्फ ₹20 पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।